दिल्ली विधानसभा के लिए 8 फरवरी को मतदान, 11 फरवरी को आएंगे नतीजे। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही राजधानी में आदर्श आचार संहिता लागू। दिल्ली में 5 साल के बजाय 5 महीने ही चली सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने दिल्ली सरकार पर लगाया जनता को धोखा देने का आरोप। बीते दिनों राजधानी में हुई हिंसा के लिए कांग्रेस और केजरीवाल सरकार को ठहराया जिम्मेदार। असम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक समेत 7 राज्यों में आपदा राहत के लिए दी जाएगी 5,908 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में फैसला। बीते साल बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने की घटनाओं से जुड़े राहत कामों में आएगी तेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के दिग्गज कारोबारियों संग बैठक। कई बड़ी कंपनियों के चेयरमैन, सीईओ हुए शामिल। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और रोजगार पैदा करने के मसले पर विस्तार से चर्चा। और विश्वविद्यालयों को नहीं बनने दिया जाएगा राजनीति का अड्डा। जेएनयू मामले पर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का बयान। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम कर रही है मामले की जांच। जेएनयू प्रशासन ने की हिंसा की निंदा।